Dear students of Standard 8, I welcome you all. We are going to start rational numbers, जो आपकी किताब का पहला पेज है, the very first chapter of your book. So at first, let us start slightly different. पहली बात तो हम लोग बात करेंगे क्या? English में बात करेंगे, English में बात करेंगे और हिंदी में बात करेंगे. और आपको इस वीडियो को देखने के बहाने कुछ देर तक आपके हाथ में मोबाइल आ जाएगा, तो पहले आप हमको थैंक यू बोलिए. हमने आपको नमस्ते इसलिए किया क्योंकि हम आपको आज देख ही नहीं रहे हैं. हम तो आज से 20 साल 15 साल के बाद आपको देख रहे हैं. जब आप बड़ी बड़ी पोजीशंस में जाएंगे, यू विल बिकम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सीईओस, बिजनेस टाइकून्स, पॉलिटिशियंस लाइक दिस. सो दैट इज वाई एवरी टाइम आई स्माइल एंड ग्रीट यू पीपल. अब देखो प्यारे बच्चों, एक चीज आप हमेशा दिमाग में रख लो कि ये रेशनल नंबर वर्ग की बात हम बाद में बात करेंगे. सबसे पहले हम कहते हैं कि भैया ये नंबर होता क्या है, तो सबसे पहले आप किसकी बात करते हैं? आप बात करते हैं काउंटिंग नंबर्स की. भाई कोई भी चीज काउंट करने के लिए चाहिए ना. जैसे अगर आपके क्लास में, इन योर क्लास देर आर 35 स्टूडेंट्स, सो वॉट एग्जैक्टली वी डू? यू स्टार्ट सेइंग 1, 2, 3, 4, 5, 6. आर द पीपल हु हैव नॉट डन होमवर्क प्लीज स्टैंड अप? सो व्हाट हैपेंस? मजा लेते हैं ना जो खड़ा हो जाता है. तो करना क्या है कि काउंटिंग नंबर क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर. एक से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ. आप मेरे साथ साथ चलिएगा क्योंकि हो सकता है कि हम आपकी किताब से थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे. पूरी एनसीईआरटी हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे और एनसीईआरटी के जो बाद में होगा, जो आपके इस क्लास में आएगा, वो प्रैक्टिस हम अलग से करेंगे. और उसके बाद जो थोड़ा सा कॉम्पिटिशंस के लिए हम अलग से वीडियो दे देंगे, जिसका मन करेगा पढ़ेगा, जिसका मन नहीं मन करेगा नहीं पढ़ेगा. ठीक है? तो देखिए नेचुरल नंबर को मान लीजिए कि हम कैसे हम मानेंगे. जब भी हम एन बोलेंगे तो समझ जाइएगा, एन माने क्या हुआ? कैपिटल मतलब नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हम बोलते हैं ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं. अच्छा, अगर एक लाइन खींच दीजिए और यहां से सबको लिखना शुरू करिए, तो हम क्या लिखते हैं? ये 1 है 2 है 3 है 4 है, इक्वल डिस्टेंस पर ये कहां तक जाएगा? इट विल गो टू इंफिनिटी. तो नेचुरल नंबर क्या हो गया? नेचुरल नंबर द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1. जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? इन्फिनाइट तक जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर. अच्छा, मेरे लिए आप ये वाला लिखना शुरू कर दीजिए मेरे नाम पर. ठीक है ना? एन हमने लिखा और हम लोग इसको एक ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट, जानते हैं ना, बाद में पढ़िएगा इसको क्या बोलते हैं. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कहेंगे भाई देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक चला गया? इन्फिनिटी तक. तो हमने बोल लिया कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हमने कहा साहब ये नेचुरल नंबर है. चाहे आप तो कह सकते हैं ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, लेकिन हमने कह दिया नेचुरल नंबर क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स आर दी काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0. अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए. मान लीजिए आपकी क्लास में हो गई टन 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 या टर घंटी बज गई, आपकी छुट्टी हो गई. अगर छुट्टी हो गई, सब लोग चले गए क्लास से, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट? आप सोच के देखिएगा, अगर आपके क्लास में 35 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, छुट्टी हो गई, एवरीवन हैज गॉन होम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट? अब सोच के देखिए. तो ऐसा कोई नंबर तो है ही नहीं. अगर हम सिर्फ हमारे पास यही नंबर होता तो हमारे लिए तो उसको कहने के लिए कुछ है. तो अगर सब कोई कुछ नहीं है, हवा 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 हवा, ऐसा तो नहीं होगा ना. व्हाट यू विल से? यू विल से साहब देयर इज 0. तो कंसेप्ट ऑफ 0, तो हमने कह दिया कि जो दूसरा सेट ऑफ नंबर होता है वो कहां से शुरू होता है? 0 से होता है. और इसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं. तो होल नंबर कहां से शुरू हो गया? शुरू हो गया 0 से. इसका मतलब क्या हुआ कि जो होल नंबर है वो अपने अंदर नेचुरल नंबर को कंटेन कर लिया. हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो गया क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा भी आ गया. एक्स्ट्रा क्या आ गया? 0. यहां तक समझ में आ गया? अगर इसको नंबर लाइन, इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, नंबर लाइन पर अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अगर इसको आप इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो आप इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन सो फोर. तो ये क्या हो गया? दिस इज सेट ऑफ होल नंबर्स.
इससे भी तो काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर हो गए, होल नंबर्स क्या हो गए, जीरो से स्टार्ट हो गए, लेकिन आप कहते हैं, आपका टीचर कहता है कि जो देख के लिखेगा एग्जाम में उसको हम -3 दे देंगे। -3 का मतलब क्या हुआ भाई? जब नंबर रहेगा तब मान लीजिए आपके पास 0 तक ही होगा, तो टीचर क्या करता है, 0 ही था। मान लीजिए कि आपको 5 नंबर का 6 नंबर का आपको 10 नंबर का टेस्ट हो रहा है, आपने थोड़ा सा है ना दोस्त से थोड़ा सा आपने कर दिया, देख लिया, टीचर कहता है -5। ये -5 क्या करेगा, कहां से करेगा जब कोई नंबर हमें नहीं करेगा तो। सो द कंसेप्ट ऑफ जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक जिसको बोलते हैं, इंटीजर्स का कंसेप्ट आया। एक्चुअली दिस कंसेप्ट हैज कम फ्रॉम जर्मन्स, दैट इज वाई पीपुल रिप्रेजेंट दिस वन बाई जेड। आई भी लोग लिखते हैं लेकिन इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए इसको हम बोलते हैं जहलन बोलते हैं, जहलन बोलते हैं, जहलन का मतलब जर्मनी, जर्मन में क्या होता है उसका मतलब होता है नंबर्स। तो ये क्या होता है, ये 0 तो हो गया साहब, ये 1 है और ये 0 है। ये कहता है नहीं वो सब नंबर रहेंगे लेकिन -1, -2, -3, -4, -5 सब नंबर आ गया। तो कहां से कहां तक हो गया, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, -1 से लेके -इन्फिनिटी तक, मतलब इधर वहां तक चला जाएगा और इस साइड में वहां तक चला जाएगा और बीच में 0 भी कहे भाई हमको भी ले लो। तो क्या हुआ, दी पॉजिटिव नंबर्स, द नेगेटिव नंबर्स एंड 0, ऑल दीज 3 नंबर्स, दैट इज 3 सेट ऑफ नंबर्स, दे कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, इंटीजर्स। तो आपने कह दिया कि भाई देखो अगर हमको इंटीजर लिखना होगा तो इंटीजर आप क्या लिखोगे, लिखोगे 0, 1, 2, 3 देन -1, -2, -3। सो ये क्या हो गया साहब, ये हो गया इंटीजर्स। ये हमने कह दिया, इसको लिखते हैं आप ही जैसे बोले थे जेड के रूप में। तो हमने अब तक 3 नंबर्स देख लिए। एक आपको होमवर्क देते हैं, आप गूगल करिए और पता करिए कि साहब ये 0 कहां से आया। दिस 0 हैज बीन गिवन टू द वर्ल्ड बाई इंडियंस, बाई इंडिया। तो आप गूगल करके आप हमें से देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। सब हम नहीं बताएंगे लेकिन आपको देखना है कि भाई 0 आया कहां से, सबसे पहले किसे, जैसे आपने जेड बोला ना, नेगेटिव नंबर्स आ गया, ये नंबर आ गया, तो हमने कह दिया कि भाई वो जर्मन वाला कह दिया कि हम जेड बोलेंगे। तो फिर जब वो जिसको हम बोलते हैं 0 बोलते हैं, तो 0 कहां से आया, 0 इज द व्हाट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया ने उसको दिया है, हिंदुस्तान के मैथमेटिशियंस ने दिया। तो अब आप गूगल करके देखिएगा कि 0 कौन दिया है, अगले वीडियो में आपसे पूछेंगे। एक बार वो कर लेते हैं, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर, 1 to infinity, होल नंबर्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब वो तो रहेगा ही, और तीसरा इंटीजर्स क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2। अगर हम इसको एक सर्कल के रूप में लिखना चाहें तो सबसे पहले क्या कहेंगे, कहेंगे भाई सबसे छोटा होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बोलेंगे इससे थोड़ा सा बड़ा होता है क्या, होल नंबर, क्यों, नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में घुस गया, और इससे बड़ा क्या होता है, इससे बड़ा होता है इंटीजर्स। मतलब सबसे छोटा नेचुरल नंबर, यानी अब ध्यान से देखिएगा, हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, हर होल नंबर जेड नंबर है, यानी आप ये कह सकते हैं कि हर नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर्स भी है। अच्छा एक और हम बता रहे हैं, आप लेस देन तो सुने ही होंगे, मेरे हिसाब से आप समझ लीजिए कि अगर ऐसे इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखिएगा, ऐसे, ये समझ रहे हैं, एन इज कंटेंड बाई डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज कंटेंड बाई जेड, माने सबसे अंदर एन है, बाद में पढ़ेंगे, आपको 11th में जाएंगे तो मिलेगा सबसेट क्या होता है, लेकिन हमने सिंबोलिज्म से आपको यही परिचित करा दिया। एन इज, हम स्मॉलर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इज कंटेंड बाई, या एन इज द सबसेट ऑफ क्या, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज द सबसेट ऑफ जेड। सबसे छोटा क्या हो गया, नेचुरल नंबर, उससे बड़ा क्या हो गया, होल नंबर, उससे बड़ा क्या हो गया, इंटीजर्स। अब प्रश्न ये है कि भाई ठीक है ये सर तो नंबर समझ में आ रहा है, लेकिन अगर सर हमारे पास ये 2/5 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा भाई, हमने कह दिया 0 नंबर हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, माइनस हो, वो सब हो गया, लेकिन 2/5 हो गया। कोई बच्चा उधर से पूछेगा कि सर अगर मेरे पास
माइनस थ्री बाई फोर है, ये कौन सा नंबर है, इसको क्या बोलेंगे, इसमें तो कहीं नहीं आ रहा है। इसी तरह के नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन के रूप में है ना, क्वेश्चन किसको बोलते हैं साहब भाई, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर कर रहे हैं, तो चूंकि क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं उसी को हम क्या लेंगे, रैशनल नंबर। तो हम अब स्टार्ट क्या करेंगे, रैशनल नंबर। देखिए नेक्स्ट हमने कहा रैशनल नंबर क्या होता है, देखिए रैशनल नंबर इसको हम क्यू से कर रहे हैं, हमने क्यों क्यू से कहा, क्योंकि कोशेंट के रूप में, ये क्यू देख रहे हैं ना, कोशेंट हम बोलते हैं ना, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, टू बाई थ्री, थ्री बाई फोर। तो हमने कहा कि रैशनल नंबर होता क्या है, हम कहते हैं कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू इज नॉट इक्वल जीरो तो कॉमन सेंस का बात है भाई, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी नंबर लिख करके जीरो कर दीजिएगा तो तबाही मच जाएगी, बोलते हैं भाई डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, वो डिफाइंड नहीं होता है, तो इसीलिए पहले से ही वो कह दिया भैया नीचे जीरो मत लिखिएगा, ये तो कोई आदमी क्या बोलेगा सर नीचे जीरो तो क्या होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले से ही बोल रहा है। दूसरा कह रहा है कि साहब ये इंटीजर बोल रहा है, नेचुरल नंबर तो बोला नहीं, क्यों नहीं नेचुरल नंबर बोला, क्योंकि हर नेचुरल नंबर को तो हम इंटीजर बोलते ही है, फिर बोला होल नंबर भी नहीं बोला, तो होल नंबर इसलिए नहीं बोला क्योंकि हर होल नंबर क्या होता है, इंटीजर होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर इंटीजर आ गया, जैसे भाई आपके घर में आपको इनविटेशन आता है और आपके फादर को इनविटेशन आता है तो पूरी फैमिली जाती है कि नहीं तैयार होकर के, क्यों, पापा को आ गया तो क्या मम्मी भी हो गई, दीदी भी हो गई, सब लोग हो गया, ऐसा थोड़े है कि आपको थोड़े बोलता है हमको तो आपने बुलाया नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि आजकल एक नया कल्चर आया है कि बच्चों के बर्थडे में पेरेंट्स को बोलता है कि आप आइएगा, छोड़ के चुपचाप चले जाइएगा, माने आपको कुछ मिले वालेगा नहीं, है कि नहीं, नया कल्चर है, तो हम अच्छा है खराब हमको नहीं पता है, लेकिन इतना ये हम जानते हैं कि जो पापा वाली पार्टी होती है उसमें सब इंक्लूडेड होता है, तो यहाँ पर है तो सबका बाप तो है इंटीजर, इंटीजर के अंदर क्या है, इंटीजर के अंदर क्या घुसा हुआ है, होल नंबर, उसके अंदर क्या घुसा हुआ है, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर उसके साथ आ गया। मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर जब हम कोशेंट के रूप में लिखते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, तो हम कहते हैं कि क्या होता है साहब, हम कहते हैं दैट इज नोन एज रैशनल नंबर। ये समझ में आ रहा है, ये याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि सर अगर 2/3 है तो क्या ये एक रैशनल नंबर है, आप सोच के देखिए, है, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और नीचे वाला जीरो नहीं है। फिर कहता है कि सर 3/7, हमने कहा है। फिर आपने कहा कि सर अगर -2/15 हो गया तो बिल्कुल है। आपने कहा कि सर अगर 7/-8 है तो भी हो गया। आप कहते हो कि साहब -3/-4, याद रखिएगा मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया था, क्यों, क्योंकि माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, फिर भी हम कहेंगे हाँ ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर नीचे जो भी यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया गया है वो क्या है, इंटीजर्स है, और नीचे वाले का मान जीरो नहीं है, तो ये तो कंडीशन है। लेकिन अभी जरा हम दूसरे ढंग से लिखते हैं, कोई पूछता है कि अच्छा सर जरा बताइए तो ये 3 जो है ये रैशनल नंबर है क्या, तो हम यहाँ है ये कैसे, तो हम कहते हैं क्योंकि इसको हम 3/1 कह सकते हैं। अगर बोलता है कि सर 7 अगर, तो हम कहते हैं हाँ ये भी है, क्योंकि क्या लिख सकते हैं 7/1 कर सकते हैं, ओके। अगर कहता है कि आप बताइए जरा तो कि 0, तो हमें भी 0 है, क्योंकि 0 को 0/1 कर सकते हैं। यानी अगर नंबर होल नंबर है या नेचुरल नंबर है तो वो तो रैशनल नंबर हो गया। हमने कहा भी था कि सब रेशनल नंबर, सब नेचुरल नंबर, होल नंबर इंटीजर, होल नंबर और सब होल नंबर इंटीजर। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि एक थर्ड एग्जांपल देखिए, अगर कहते हैं कि सर -3 ये रेशनल नंबर है क्या, तो हम कहते हैं हाँ जी है, तो आप बोले तो इंटीजर है, हमने इंटीजर लाइए इसको हम रेशनल नंबर में, क्या हो गया -3/ अच्छा, कहता है -9 है सर, अब क्या करें, बिल्कुल फाइन है सर, क्या लिखिए -9/1 कर लीजिए। कहते हैं सर अच्छा सर मान लीजिए अगर हम -100 ले लेंगे, बिल्कुल चलेगा -100/1, मतलब क्या हुआ,
कि कोई भी नेचुरल नंबर होगा उसके नीचे वन कर दीजिएगा तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में आ गया। अगर होल नंबर में है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, खाली एक जीरो ही ना एक्स्ट्रा है, ये तो हम जीरो बाई वन कर देंगे। और अगर इंटीजर है तो इंटीजर में तो वैसा ही होता है, खाली उसमें क्या आता है माइनस वाला जुड़ जाता है, तो उसमें नीचे क्या कर देना है वन लगा देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना नेचुरल नंबर है वो होल नंबर, जितना होल नंबर, ध्यान रखिएगा हमने आपको बताया था सब नेचुरल नंबर होल नंबर, सब होल नंबर क्या इंटीजर्स, और अब आपने कह दिया कि जितना इंटीजर्स है वो क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। मतलब ये चार जो लोग हैं ये पापा हो गए, है कि नहीं, पापा को पार्टी में है तो सब लोग जाएगा अंदर वाला, है कि नहीं, अलग अलग कुछ में नहीं लिखा रहता है। हालांकि आजकल लिखते हैं लोग फैमिली वगैरह वगैरह, हम भी उसमें पढ़ना चाहते हैं। तो हमने क्या समझ लिया, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर, सबसे बड़ा है क्या रेशनल नंबर। आपको यहीं तक पढ़ना है, हालांकि जब हम क्वांटिटी फंक्शंस के लिए कुछ अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको हम इसके बियॉन्ड ले चलेंगे, वो अलग से देखिएगा, वो आपका चॉइस होगा। अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना तो मत पढ़िएगा। आप सोचेंगे ना भाई कि भाई तो हमसे तो हो ही नहीं रहे, कहां क्या क्या पढ़ा रहे हैं। सो ये हमारे पास क्या कंसेप्ट हो गया, रेशनल नंबर का कंसेप्ट हो गया कि रेशनल नंबर हमारे पास क्या है। नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। और बजाना चाहेंगे कि हमने अभी क्वोशेंट एक शब्द यूज किया था, जरा आप ये ध्यान से देखिएगा, कहीं से पता करिएगा कि ये आईक्यू क्या होता है, जी आईक्यू क्या होता है और ईक्यू क्या होता है, थोड़ा सा आपने से पढ़िएगा। ये आईक्यू क्या है, इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन, कौन कितना इंटेलिजेंट है। और अच्छा ये भी पता करिएगा कि आइंस्टीन का आईक्यू लेवल कितना था, जनरल आईक्यू लेवल कितना होता है, ये हम लोग अगले क्लास में जब शुरू करेंगे तो हम आपसे पूछेंगे। आप पढ़ के आइएगा, आप पढ़ के देखिएगा कि आपके पास पता है क्या, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये ईक्यू क्या होता है, देखिए पहला होता है ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है, और दूसरा हम बोलते हैं ये इमोशनल क्वेश्चन होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई डांट दिया, तो कोई डांट दिया तो लोग बोलते हैं ना गंगा जमुना सरस्वती, तीनों का आके यहाँ संगम होता है ना बहुत लोगों का, तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन। आपका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है, अच्छा कुछ बच्चा है मान लीजिए दो घुसा मारिएगा तो ऐसे से करता है कि नहीं, करके निकल जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो अब बताइए किसका इमोशनल क्वेश्चन बढ़िया है, वो आप अपने से डिसाइड कर लीजिएगा, लेकिन उसको इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं कि एक ही सिचुएशन में तीन डिफरेंट बच्चों को तीन तरह से एक ही तरह से बिहेव किया जाता है, लेकिन तीनों की प्रतिक्रिया क्या होती है, अलग अलग होती है, दे रिएक्ट डिफरेंटली, है कि नहीं। एक है कि खाना छोड़ देगा, टिफिन नहीं खाएगा, मुंह लाल कर लेगा, नाक लाल कर लेगा, गंगा जमुना सरस्वती का ले आके संगम भी करा देगा यहाँ पर, दूसरा क्या होता है झाड़ के निकल जाएगा, और तीसरा दूसरे से पूछता है तुमको कितना लगा, कस के लगा, बोलता ही नहीं बोलता है। तो ये इमोशनल क्वेश्चन होता है, वो उसे आईक्यू से कोई मतलब नहीं है, क्या इसकी चर्चा हम लोग कभी बाद में कर लेंगे। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि भाई देखो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम आपको बिल्कुल एक नया कंसेप्ट दे रहे हैं, मेरे साथ साथ चलिए। अब ये मत सोचिएगा कि सर एनसीईआरटी में सर नहीं दिया है, प्लीज डोंट रिस्ट्रिक्ट मी टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तक हमको आप रिस्ट्रिक्ट मत करिए, हम जिस तरह से आपको ले चलते हैं, जिस तरह से नेविगेट कराते हैं, जितना हम बोल रहे हैं उड़ने के लिए आप उतना उड़ना शुरू करिए, फिर देखिएगा कि आप पूरा आसमान को नाप दीजिएगा। बस मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करिए आप। मान लीजिए कि ये ए बी सी ई ए इनवर्स, ये वाला हम इसको बोलते हैं ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन बोलते हैं। अगर हम ऐसा वाला कर देते हैं तो क्या समझना है कि ए आर में है, आर मान लीजिए कोई एक सेट है, जैसे अगर कोई कहता है कि टू ये है तो एन क्या है नेचुरल नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे टू इज नेचुरल नंबर या टू बिलोंग्स टू एन। अगर कोई बोलता है कि माइनस थ्री बिलोंग्स टू जेड, मतलब क्या हुआ माइनस थ्री इंटीजर है। अगर कोई पूछता है कि टू बाई फाइव बिलोंग्स टू क्यू, इसका मतलब क्या है कि टू बाई फाइव एक रेशनल नंबर है, समझ में आ रहा है। तो हमने कह दिया कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई आर हमने कोई एक सेट ले लिया, नंबर्स का सेट है कोई भी नंबर ए बी सी डी, हम आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको बाद में बताएंगे कि हम आपने खेल खेल में क्या पढ़ लिया। तो आर अगर हमारे पास क्या है, एक कोई सेट ऑफ नंबर्स है, जिस तरह से हमारे पास क्या था
नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर था, वैसे ही मान लीजिए कोई एक सेट ऑफ नंबर है और ये सब वही वाला नंबर है जैसे नेचुरल नंबर होता है, वैसे ही वो भी कुछ नंबर है। तो पहला है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर माने क्या होता है भाई, आप बहुत आपकी इच्छा कर रही है कि हम जाएंगे और पिज्जा हट में पिज्जा खा के आएंगे और आप गए वहां लिखा हुआ है क्लोज्ड, वो कौन सा हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, आपने कभी कभी देखा बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं तो कोई बोलता है ए बंदर, बंदर के बच्चा, या बंदर बोलता नहीं, ए बंदर, क्यों भाई, उसका माँ माँ इंसान है, बाप भी इंसान है, बचवा कहां से हो गया भाई, आप सोच रहे हैं ना। अगर आपको कोई बंदर कहता है माने क्लोजर प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या है कि इंसान की औलाद इंसान ही होगा ना भाई, माँ क्या है इंसान है, पापा इंसान है, तो बच्चा भी इंसान। अगर बच्चा बंदर हो जाएगा तो सब लोग आके ईटीवी जीटीवी सब लोग आकर के उसका फोटो खींचेगा, भाई दिखाओ दिखाओ ये आदमी का बच्चा है ना बंदर आ गया। क्लोजर प्रॉपर्टी कब होगा, अगर इंसान का बच्चा इंसान होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप कहते हो कि ए बिलोंग्स टू व्हाट आर, बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट, तो आप जानते ही होंगे अगर आप कहते हो ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, तो हम कहते हैं कि ये जो प्लस जो है ना ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा आप कहते हैं कि अगर माइनस, फिर वही कर देंगे कि अगर हम कहते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर और ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, तो हम कहते हैं क्या कि जो माइनस जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई पूछता है कि नेचुरल नंबर के सेट पर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है क्या, किसमें, नेचुरल नंबर में। एक नेचुरल नंबर लेते हैं हम सेवन, दूसरा नेचुरल नंबर लेते हैं इलेवन, तो सेवन प्लस इलेवन कितना हो गया एटीन, तो ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो ये भी नेचुरल नंबर है क्या, अगर ये है तो हम कह दिया कि क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप कहते हो कि सेवन नेचुरल नंबर है, इलेवन नेचुरल नंबर है और सेवन माइनस इलेवन ये क्या हो गया जी, माइनस फोर हो गया। याद रखिए सेवन क्या था, नेचुरल नंबर, इलेवन क्या था, लेकिन माइनस फोर नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को, लोग होते हैं क्लोजर माने होता है बंद, भाई इतना ही होगा। आपने देखा होगा ना, आप जब आपकी पार्टी वोटी लेते हैं या आपका बर्थडे पार्टी होता है या कुछ आप टॉफी वगैरह लेते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सबको थोड़े बांट देते हैं पूरा, कुछ कुछ लोग पूरे क्लास को बांटता है, लेकिन बड़ी वाली टॉफी क्या करते हैं, आपका जो तीन चार दोस्त होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड फ्रेंड, जो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना, उसी में कुछ कुछ चुपचाप लेकर के खाते हैं। तो वही है क्लोजर प्रॉपर्टी, समझ में आ गया कि अगर ऑपरेशन जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिविजन है, अगर करने के बाद हमको वही नंबर मिल जाता है तो हम कहते हैं कि वो क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गया, हम लोग इसकी अलग से चर्चा करेंगे, कब, नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर में, रेशनल सब में करेंगे हम लोग। अब दूसरा देखिए कमुटेटिव प्रॉपर्टी। कमुटेटिव प्रॉपर्टी को एक्चुअली इसको हम बोलते हैं विनिमय, क्या बोलते हैं इसको, विनिमय बोलते हैं। अच्छा देखिए आप जाते हैं, यू गो टू व्हाट, जैसे आप क्लास में होता है, दो क्लास में आप अगल बगल में बैठे हुए हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि आप यहां बैठे हो और आपके दोस्त यहां बैठी हैं, तो आप क्या करते हो, भाई तुम यहां बैठ जाओ और हम यहां बैठ जाते हैं, हमारी बात सुन, क्या किया हमने, अपनी पोजीशन को हमने क्या कर दिया, अदल बदल कर लिया। यानी अगर आप कहते हो कि ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी प्लस ए, तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। अब ये ज्ञान जा करके और नहीं, शाम को जाइएगा अपना हेयर कट के लिए, तो हेयर कट वाला आपको जब काट देगा तो आप क्या बोलिएगा, भाई हमारे सर ने सिखाया है कि आपने मेरा बाल काट दिया, आप बैठिए आपका बाल हम काट देते हैं, क्यों, क्योंकि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ गया है, वो नहीं हम बोल रहे हैं, वहां भी विनिमय होता है। देखिए अभी तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई हम कोई हमारा हेयर काट कट करता है तो हम क्या करते हैं, उसको पैसा देते हैं, ठीक है ना, हम पैसा देते हैं तो हमारा हेयर कट करता है। पुराने जमाने में जब हम लोग छोटे थे तो उस केस में लोग क्या करता, लोग अनाज देता था, भाई यू कट माई हेयर एंड आई गिव यू द ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स दे देते थे,
क्लियर है। तो वो हम क्या बोलते हैं, विनिमय जिसको बोलते हैं, विनिमय मतलब होता है हम आप एक दूसरे को लेन देन जो कहते हैं उसको हम बोलते हैं विनिमय। तो लेन देन का मतलब क्या हुआ कि अगर ए पहले बी बाद में इज इक्वल टू बी पहले ए बाद में, तो दैट इज नोन एज क्या उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड। अब सोचिए देखिएगा, नेचुरल नंबर में एडिशन के रिस्पेक्ट में होता है क्या, 3 + 5 = 5 + 3? हाँ सर होता है। मल्टीप्लीकेशन के सापेक्ष होता है क्या, 3 × 5 = 5 × 3? हम लोग यहां सर होता है। होल नंबर में होता है। ये सब हम चर्चा अलग से एग्जाम्पल लेकर अलग से करेंगे, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ गया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस ए, माने पोजिशन चेंज हो गई तो हम उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। अब देखिए तीसरा हम बोलते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं साहचर्य। अब जरा जो मैं बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा, अगर आप कहते हो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, आप तीन दोस्त हो, टिफिन होता है, तो एक बार ए और बी आपस में शेयर करते हो, सी को छोड़ देते हो, और फिर अगर इसमें से किसी से कटिस हो जाता है तो क्या करते हो, बी और सी करना शुरू करता है, ए को छोड़ देता है। मतलब क्या होता है कि एक साथ ए भी साथ है सी है, और एक साथ ए बाहर हो गया बी पर, लेकिन दोस्त तो है ही, लोग तो बाहर वाला जनता यही जानते हैं ना भाई तीनों दोस्त है, आपने टिफिन साथ में किया, कौन ए ने बी के साथ किया कि बी ने सी के साथ किया, दैट इज अ डिफरेंट इशू। इसको हम क्या बोलते हैं, साहचर्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे आप कहते हो कि सर हमारे पास 2 + 5 + 7, क्या इसको 2 + 5 + 7 लिख सकते हैं, आप खुद देख लीजिए, 2 + 5 = 7, 7 + 7 = 14, 7 + 5 = 12, 12 + 2 = 14। मतलब क्या हो गया कि जो एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एडिशन इन केस ऑफ किसमें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम अलग अलग इसकी चर्चा कर देंगे, लेकिन अब आपको एक चीज समझ में जरूर आ गया कि साहचर्य का मतलब क्या होता है, ये दोनों एक साथ फिर ये दोनों एक साथ हो गया, इसको हम बोलते हैं, याद रखिए। अब यहां से लेके पूरे जीवन भर चलता रहेगा, इसीलिए मैंने यहां डिटेल्स इस तरह से आपको बताने की कोशिश किया है। एंड लास्ट वन हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, टॉफियां बट रही हैं, कोई आदमी डिब्बा में टॉफी लेके आता है, तो वो क्या करता है भाई, टॉफी वो हर आदमी को देता है, हर बच्चे को देता है। अगर किसी को कह देता है कि नहीं नहीं तुमको नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि तुम बहुत पतला है, तुम बहुत लंबा है, ऐसा तो होता है ना। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी है, और इसको हम लिख देते हैं ए इंटू बी प्लस व्हाट, ए इंटू सी। ध्यान से देखिएगा, ए क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बी के साथ भी हो गया, सी के साथ भी हो गया, लड्डू बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा, मीनिंग ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, तो हम क्या लिखते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, क्या हमने लिखा, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन केस ऑफ, जैसे आपने कहा 3 × 2 + 1 = 3 × 2 + 3 × 1, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन केस ऑफ नेचुरल नंबर। और किसका डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर के एडिशन पर किसका, मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो हमने ये चार चीजें पढ़ लिया। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था, हमने कहा ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, मम्मी इंसान, पापा इंसान, बच्चा भी इंसान, ठीक है ना, ए प्लस बी वाला। दूसरा टू नेचुरल नंबर है, थ्री नेचुरल नंबर है, 2 + 3 क्या होगा, नेचुरल नंबर। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, लेकिन कोई अगर अंतर नहीं पड़ता है, वही बात रहती है, तो हम बोलते हैं ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि अगर दो एक साथ एक बार है लेकिन अगर अगली बार दूसरा वाला दो हो गया फिर भी दोनों बराबर है तो हम बोलते हैं दैट इज एसोसिएटिव. और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ कि वंस ए कम्स हियर देन ए विल बी मल्टीप्लाइड बाई, याद रखिएगा ये 2 + 3 × 5 इस पर लागू नहीं होता है. आप नहीं लिखते हैं 2 + 3 और मल्टीप्लाइड बाई 2 × 5. कुछ कुछ नियम है तो मतलब कहने का मतलब है कि आतंक नहीं फैलाना है उल्टा सीधा काम करके, जो होता है हम लोगों को उसी को लेना है, नहीं तो पता चलेगा तबाही मच जाएगी. नहीं नहीं सर आपने बोल दिया अब हम छोड़ेंगे नहीं, क्या हम अभी क्या कर देंगे, हम प्लस का सर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका. बाबूजी का खेती नहीं है कि जो चाहिएगा सो लगा दीजिएगा, है कि नहीं, कि नहीं नहीं हमारे यहाँ हम कुछ भी कर लेंगे. यू कैनॉट डू इट बिकॉज वी शुड हैव, देखिए मैथमेटिक्स के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो हमारे डे टू डे लाइफ सिचुएशन में नहीं होता, यहाँ एजम्पशन नहीं होता है कि नहीं. वी कॉल स्पेड स्पेड, इसीलिए आप देखते होंगे कि लोग बोलते हैं उसका मैथमेटिकल ब्रेन है, मतलब क्या भाई जो जैसा है हम उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं और जो हम एक्सेप्ट करते हैं तो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा.